ने अपनी बेटी का पिंडदान कराया, इसलिए ऐसे कराया हम लोग ने क्योंकि जो हम लोग की इज्जत थी उसने धूम ही कर दी, ना अपने पापा की इज्जत देखी ना परिवार की, इसलिए हम लोग फैसला लिया। कितने प्यार से आप लोगों ने परवरिश की थी और शादी के लिए क्या सपने सजोए थे? सपने तो बहुत थे भैया, एक माँ बाप के सपने क्या होते हैं, आप लोग सब क्या प्लानिंग थी आप लोगों की वैसे उसके लिए? अभी तो हम लोग ने मझली बेटे की शादी की थी, 21 साल बाद उसकी शादी करते। आप लोगों ने समझाया नहीं, कितना समझाया, किस प्रकार से समझाई थी आप लोगों ने कि ऐसा नहीं करना? हम लोग को पता ही नहीं चला भैया, जब गई है तब पता चला। किसी भी माँ बाप को अगर पता रहता तो वो अपने बेटे को समझाता ना, इतने गलत रास्ते में थोड़ी ना जाने देता। क्या सोच के कदम उठाया है? अब वो तो वही बता सकती है, ये तो हम लोग ने अपने हम लोग के लिए हमेशा के लिए मर गई, हम लोग को कोई मतलब नहीं है उससे। आज क्या क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग ने उसका पिंडदान किया, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं और सभी लोग को बुला के। पुलिस का कहना आपको इस बारे में पहले से भी जानकारी थी? सब झूठ बोल रही है प्रशासन, हम लोग को कोई पता नहीं था क्या है क्या नहीं। वो तो जब गई है उसके बाद ही हम जब कार्ड वायरल हुआ तब पता चला हम लोग को। पहले की ये सब तो कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है, तो ये अब तो हम लोग ने सोच लिया है कि हमारी बहन आवाज़ मर गई है, तो ये सब करा अपन ने, उनसे आत्मा को शांति मिले। और मम्मी पापा को भी बहुत दुख हुआ इस बात का, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा, नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मम्मी समझाने के लिए क्या क्या प्रयास? बहुत प्रयास किए, नहीं समझी तो क्या ही कर सकते। शादी के लिए तो बहुत सपने देखे थे भैया, छोटी बहन थी, मतलब मेरे से तो बड़ी थी लेकिन 3 बहन है मेरी, सबसे छोटी बहन की तो बहुत धूमधाम से शादी के लिए देखे थे, लेकिन अब ये सब हो गया तो कितना कुछ होगी आज आप खुद पिंडदान करते हैं? अब तो भैया बता नहीं सकते, इसमें है कि अब तो शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन जब ऐसे धर्म में जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जब 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 हो धर्म की यानी बाढ़ असरद अभिमानी, तो जब ऐसे कार्य होते तो बिल्कुल आप कर सकते हो, अपने जीते जी अपना पिंडदान कर सकते हैं, अपने बिल्कुल कर सकते करवा सकते हैं आप। पिंडदान का क्या महत्व है पंडित जी शास्त्रों? पिंडदान का जो महत्व है, श्रद्धा ही श्राद्ध है, मतलब पिंडदान से प्रेत की मुक्ति के लिए अपन पिंडदान करते हैं, पर उसकी आत्मा की शांति के लिए अपन उसका विधान करते हैं, भोजन करते हैं, काक के निर्मित अपन ग्रास निकालते हैं, गऊ के प्रति ग्रास निकालते हैं, स्वान के प्रति ग्रास निकालते हैं, चींटियों के प्रति ग्रास निकालते हैं, उस प्रेत की आत्मा की शांति के लिए जो इस दुनिया में अब नहीं रही है। तो इस वाले प्रकरण में दुनिया में है, उसके बाद कैसे प्रोसेस? वो तो जब इतना बड़ा अपन ने जब कदम उठाया है तो फिर तो अब रहने ना रहने का वो तो अब अपने कर्मों के कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा, जो अपने जीवन में जैसा कर्म करता उसको वही फल भोगना पड़ता है। आज माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए, उसके बाद अगर संतान ऐसा कदम उठाए तो माता पिता की आत्मा को ठेस पहुँचती है, धर्म को ठेस पहुँचती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, पर आप अपने जीवन के खुद कर्ता धर्ता हैं, जो आप कुछ आपने जो बोया वही आपको काटना है, इसमें माता पिता कुछ आपके प्रति नहीं कर सकते। आपके हिसाब से क्या लगता है ये फलदायी कहलाएगा जीवन? बिल्कुल फलदायी है, क्योंकि आज का समय जो ऐसा चल रहा है तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है, धर्म की जय होना चाहिए और अधर्म का नाश होना चाहिए। पिछले दिनों जबलपुर में हम खेरा कुदवारी निवासी अनामिका दुबे ने घर से माता पिता की बगैर अनुमति के भागकर एक मुस्लिम युवक से मस्जिद में निकाह करके धर्म परिवर्तन किया और उसके साथ रहने को चली गई, जिससे और उसकी शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, जिससे पूरे जबलपुर के लोगों में, हिंदुओं में और हिंदू संगठनों में काफ़ी तनाव व्याप्त था, और उसके बाद काफ़ी बदनामी भी हुई चंद्रिका दुबे के, उनके जो पिताजी चंद्रिका दुबे, उनकी काफ़ी बदनामी, और उनके परिवार वालों ने अंततः निर्णय लिया उस लड़की का परित्याग करना ही उचित है। आज हिंदू धर्म सेना और बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में
जो अनामिका दुबे के परिवार वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर अनामिका दुबे का परित्याग कर कर और उसको मृत मानकर और यहाँ पर आज ये पवित्र मां नर्मदा के तट पर आज उसका पिंडदान कराया और जो भी मृत्यु के बाद जो क्रियाएं होती वो करवाई है और उसके बाद मृत्यु भोज का भी आयोजन अभी किया गया है और बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण है ये। हम लोग ये कहते हैं कि बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण चंद्रिका प्रसाद दुबे जी ने दिया। मैं उनके साहस की हम लोग सब बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं और ऐसा ही उदाहरण समस्त हिंदू समाज को कि जिनकी बच्चियाँ अभी जिहादियों के साथ भाग जाती, विधर्मियों के साथ भाग रही, उन्हें भी ऐसा ही काम करना चाहिए, उनका पूर्ण परित्याग कर देना चाहिए।